अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कितनी प्यारी लगी है ना। ये कौन है? मेरे पति है। कविता के पति हमें देखे देखे क्यों लग रहे हैं? हम इनसे कहीं मिले हैं क्या? ये राणा तो आज सचमुच में तुम्हारी खाल खींचने वाला था। खाल तो हमारी खींच गई। तुम्हें बचाने के चक्कर में भांजे के साइन रह गए। हाँ, साइन तो ये करेगा। चल भैया साइन कर। साइन कर। चल भाई टाइम कम है, अपने पास साइन कर। चल भी बेहोशी हालत में मरता। मधुबाला घर चलते, किसी को पोषक नहीं हो जाए, इसके साइन जो है बाद में ही लेना पड़ेगा। ये राणा आज हार कर भी जीत गया। भगवान सबको दे और भर भर के दे, लेकिन हमारे हिस्से का ना दे इसे। आज तेरी वजह से ये आरती पूरी हो सकी है, इसलिए माता रानी के आशीर्वाद पे सबसे पहला तेरा हक है। मीठी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो घर वालों की याद आ रही थी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लो
मौसी के आंसू देखकर भांजी भी रोने लगी। हम कोशिश करें, लो आराम से। हमारी गुड़िया रानी सो गई। पानी 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 किसी को पानी चाहिए। पानी ये आवाज तो उसी सुनसान बिल्डिंग से आ रही है। पानी राणा अधमरी हालत में है और फिर भी तुम उससे एक सिग्नेचर नहीं ले पाए। अरे क्योंकि काम तो ठीक से करते नहीं, कम से कम अपनी दवाइयों को तो सही से रख सकते हो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज क्या हुआ? स्किन ऑइंटमेंट ये मैं लगाती हूँ। किस तरह से मैंने बात संभाली है ना, ये मुझे ही पता है। जेब में पैसे नहीं है, ऊपर वाली खोपड़ी में दिमाग तो होगा ना। छोड़ मुझे। दिमाग तुम्हारे पास है ना, तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छी सी प्लान बनाकर राणा का पैसा खुद क्यों नहीं हड़प लेते? मेरी क्या सर यार है ना, मेरे पास कैसे आया था? ठीक मांग रहा था तू सड़कों पे। मैंने दिए तुझे पैसे पवन, जितना कहूं इतना ही किया कर, बकवास करने की जरूरत नहीं है। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मम्मी जहां से लाई थी ना वही फेंक दूंगी तुझे। आवाज तो यहीं से आ रही थी।
जरूर इस लड़की को मेनका ने हम पे नजर रखने को भेजा होगा। राज राणा किसी के रोके नहीं रुकेगा। साहब ये तो हूबहू राणा है यार। मेनका टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। नाम क्या बताया? नकली राणा। नहीं नहीं राणा द्वितीय। पवन, पवन नाम है मेरा। मेरे साथ ज्यादा होशियारी नहीं। क्या कर रहे हो? धीरे बोलो। वैसे भी इस घर के लोगों के कान कुछ ज्यादा ही तेज है। मुफ्त में तो तुम चुप रहोगे नहीं। बोलो क्या चाहिए? हमारी तो एक ही डिमांड है, पैसा। पर इस बार इतना बड़ा सा छुपाना है, कीमत तो थोड़ी ज्यादा लगेगी। मेरे हिस्से से नहीं। तेरे सर पे बड़ा सा पत्थर ना दे मारूं, ब्लैकमेलर कहीं का। अभी इसे टालने के लिए हाँ कह देती हूँ। ठीक है, मंजूर है। मीठी 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 उठो, मीठी आंखें खोलो, ये तो बेहोश हो गई। मीठी 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 आंखें खोलो। आराम से। मीठी तुम ठीक तो हो? यहाँ कैसे आ गई और बेहोश कैसे हो गई? गंगा मैया, राणा ने हमें धक्का क्यों दिया? वो राणा थे या कोई और? क्या सोच रही हो? सोच विचार बहुत हो गया, काम पे लगने का टाइम आ गया है। आप कह रही हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सब बताएंगे पर अभी हमें जाना होगा। अरे मीठी, ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो यहाँ आया था। क्या हुआ बुआ जी, आपने इस वक्त हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? क्योंकि तुम सबसे ही मैं अपने मन की उलझन कह सकती। मुझे राणा का बर्ताव बहुत बदला बदला लग रहा है। मुझे भी, हमको भी।
शुक्र है तूने ये बात बोली सुमन बिटिया। जब से राणा ने मिट्टी को गिरफ्तार कराया तब से लच्छू और हमको कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और मम्मा याद है प्रिंसिपल भी कैसे चिल्ला रहा था राणा, और कैसे मिर्ची वाला खाना खा रहे थे बुक्कड़ों की तरह। मिट्टी के जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया है राणा को। बुआ जी, मीठी भाभी घर से गए ने, उन्हें निकाला गया है। और मैंने और काकी ने सबको समझाने की कोशिश भी की, इसने हमारी बात ही नहीं माने। पर लच्छू, राणा इतनी बुरी तरीके से मीठी के खिलाफ हो गया था कि उसकी बात को अनसुना भी नहीं कर सकते थे। मीठी यहाँ होती तो कोई ना कोई आइडिया जरूर देती। उनको वापस बुला लेते हैं। पर मौसी, इस बात के लिए ना राणा मानेगा और ना अम्मा, और उन्हें मनाने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें मीठी भाभी को वापस बुलाने के लिए कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान सोचना ही पड़ेगा। इस घर में कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। राणा आ गया है मेहनका, तुम और तुम्हारे उस डुप्लीकेट की खैर नहीं। आज की रात त्रिपाठी सदन में सच का सूर्योदय होके रहेगा। हर हर महादेव। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि राणा अपनी बसी से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करे। कुछ ऐसा जरूर है जो हमें पता नहीं। आज सब कुछ पता करके ही रहेंगे। हर हर करके। कहां से आ गई? मेरा ब्रेसलेट इसे तो नहीं मिल गया। काव्यास्ता है गुरु। पहले कि आप हमें फिर से इस घर से बाहर निकाल दें, हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं राणा। आखिर आप इतने बदल कैसे गए राणा? हमें नफरत हो गई है तुमसे। अचानक अचानक आपको हमसे नफरत हो गई राणा? आपने तो पलट में गंगा की धार की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दी राणा। उस रात कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ था आपने देखा था ना, आपने सुना था, आपने तो ये भी कहा था कि आप हम पर भरोसा करते हैं राणा। अचानक इतना बदल कैसे गए राणा? आपने कहा था कि आपको हम पर विश्वास है, फिर मेनका के सारे इल्जाम आप पर क्यों? सारे घर को चुकाओगे क्या?
भोलेनाथ ने गंगा मैया को रास्ता दिया था, फिर भोले के बाप गंगा की धारा को धक्का कैसे दे सकते? हो गया, इससे पहले घर का कोई भी सदस्य उठ जाए निकलो। नहीं राणा, हम अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही जाएंगे। राणा देखिए, अगर मेनका आपको मजबूर करे, आप हमें बताइए राणा। राणा देखिए, आप जब तक चुप रहेंगे हमें आप कुछ कहेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि दफा हो। चलो राणा, चल भैया, आप हमें धक्का दे रहे हैं। धमकियों से तो तुम जाती नहीं हो, धक्का देना जरूरी था। चलो अब निकलो। पवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मैं वो सोच रहा था कि तुम्हारा जो प्लान है वो एक ही बार में निपटा देते। अच्छा, दो अक्षर के नाम वाले राणा के साइन तो लेकर आ नहीं पाए तो बातें इतनी बड़ी बड़ी। जाओ जाके पहले साइन लेकर आओ राणा की। निकलो निकलो।